गुरुदेव, पाप क्या होता है? और उन पापों का अंत क्यों आवश्यक है गुरुदेव? लव कुश, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। पाप वो होता है जो मनुष्य को मनुष्यता से गिरा दे, जो अपने और दूसरों के दुख का कारण बने, और जो मनुष्य को भले मार्ग से हटाकर बुरे मार्ग की ओर ले जाए। गुरुदेव, तुम रामायण की कथा सुनकर बुरे मार्ग पर नहीं जाएंगे? हाँ लव, श्री राम का चरित्र ऐसा पावन है के मन में बुरे मार्ग पर जाने का विचार आ ही नहीं सकता। गुरुदेव, आप हमें वह कथा सुनाइए ना गुरुदेव। ये कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। जब सीख जाओगे तो अपने आप कथा कहने लगोगे। शिष्यों, जैसे मैंने अभी अभी कहा था कि मैं रामायण की कथा सुनाऊंगा, तो सुनो शिष्यों। माता सीता, कहाँ हैं आप? क्या आपके दर्शनों की आस अधूरी रह जाएगी? माता, दर्शन दीजिए, कृपया दर्शन दीजिए। नारायण नारायण। गुरुदेव, क्या देख रहे थे हनुमान? गुरुदेव, माता सीता और प्रभु श्री राम के दोनों राजकुमारों को देखने की इच्छा मन में लिए अयोध्या से निकला था, परंतु लगता है अब वो इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों पूरी नहीं होगी? चले जाओ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तुम्हें रोकने वाला कौन है? परंतु प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मैंने प्रभु श्री राम को पूछा था, परंतु उन्होंने मेरी विनती अस्वीकार कर दी। अर्थात श्री राम की आज्ञा के बिना तुम छिप कर सीता मैया के दर्शन करने आए थे, परंतु तुम तो महावीर महाबली हनुमान हो, तुम्हें छिपकर देखने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी इच्छा शक्ति तो अपरंपार है, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करो। सीता मैया स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगी। हाँ, जय श्री राम। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे? प्रभु श्री राम का सेवक होते हुए भी माता सीता की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है यह हनुमान, कुंठित हो रहा है। नहीं प्रभु, नहीं,
यह अन्याय है प्रभु, यह अन्याय है प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं हनुमान हूं, रुद्र अवतार हनुमान, सर्वशक्तिमान भगवान शिव का अंश मुझ में विद्यमान है। मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं। परंतु प्रभु, इतना शक्तिमान होते हुए भी मैं अपनी भावनाओं को अपने वश में नहीं कर सकता प्रभु, नहीं कर सकता। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? परंतु प्रभु, मैं चेष्टा करूंगा कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकूं। मैं चेष्टा करूंगा कि अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी सारी भावनाओं को आपके चरणों में केंद्रित करने में लगा दूं। मैं चेष्टा करूंगा भगवान, मैं चेष्टा करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।